जब पहले पहले डीपी वर्क शुरू हुआ तो देवघर में हम लोग जो जितने लड़के सब हैं उन सब लड़कों को पूजनीय अभिन दादा ने ग्रुप ग्रुप कैटेगरी करके भाग कर दिया कि तुम लोग इस गांव पे जाओगे, तुम लोग उस गांव पे जाओगे। तो ऐसा एक कहानी आया कि एक गांव पे कुछ लड़के गए, वहां पे एक बूढ़ी औरत थी, अकेली बूढ़ी औरत, उसका कोई नहीं है, बहुत दिन पहले दीक्षा लिया हुआ है वो, लेकिन उसके घर पे कोई नहीं, वो अकेली रहती है। तो जब वो लड़के सब पहुंचे वहां पे, जाके बोले कि हमें आचार्य दादा ने भेजे हैं आपका खबर लेने, आप कैसे हैं, आपका जिंदगी कैसा चल रहा है, तो वो बूढ़ी औरत दिल फाड़ के रोने लगी। और उस औरत के मुंह से एक ही शब्द निकला कि इतने दिन आप लोग कहां थे, इतने दिन आप लोग कहां थे, मैं 80 साल का हो चुका हूं, मैं 30 साल से अकेले रह रही हूं, आप लोग कहां थे। तो जब ये कहानी आके दादा को बताया गया तो दादा ने कहा कि इस पृथ्वी में ऐसे कितने ऐसे घर होंगे जहां कोई एक इंसान अकेला है, अकेला रो रहा है, और उस इंसान के घर में ठाकुर जी भी अकेले रो रहे हैं और हम लोगों का इंतजार में है कि मेरा आदमी कब आएगा, मेरा आदमी इस आदमी के यहां कब आएगा। इसी के चलते दादा ने कहा है कि हम लोग जितना हो सके लोगों तक रीच करें, पहुंचे, उनका खबर लें, बस इतना ही तो काम है, और तो कुछ करना नहीं है, कुछ बोलना भी नहीं है, बस निस्वार्थ भाव से पहुंच के बोले कि आप कैसे हैं, आपको कोई असुविधा है, आप ठाकुर जी का दीक्षा लिए थे, आप इस साल पे लिए थे, इससे हमारा पहचान बढ़ा है, और कुछ नहीं, बस आपको हम पहचानते हैं इसीलिए आए हैं, आपका खबर लेने आए हैं। और वो एक दिन का कहानी नहीं हो सकता, एक दिन गए मिल लिए चले गए, नहीं, हर दिन जाएंगे, हर दिन नहीं सकते हैं, सप्ताह में एक दिन जाएंगे, बार बार जाएंगे, उनके पास जाएंगे, उनका खबर लेंगे, कुछ मांगेंगे भी नहीं, कुछ बोलेंगे भी नहीं, बस एक ही चीज देंगे, वो है प्यार, प्रेम। यही है डीपी वर्क, यही है इजाजत, इतना ही भर करना है और तो कुछ नहीं है। लेकिन वो एक दिन का स्टोरी नहीं है, एक दिन गए बहुत जोश में गए आ गए, नहीं, इट हैज टू बी कंसिस्टेंट, निष्ठा के साथ, निष्ठा के साथ, कुछ पाने के लिए नहीं, ये भी नहीं सोचना है कि उसको हमको ठाकुर जी का आदमी बनाना है एक दिन, नहीं, हम कौन होते हैं बनाने वाले, ये हमारा कैपेबिलिटी में है ही नहीं, ये हमारा क्षमता नहीं है, ये उनका क्षमता है, हमें तो कर्म करना है, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस ये हमारे हाथ में नहीं है। टारगेट ओरिएंटेड होकर अगर जाएंगे कि ये अचीव करना है, फिर तो हम गलत डायरेक्शन पे सोच रहे हैं, हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा मकसद है बस प्यार, काम करना, जाना, दादा ने जो आदेश दिया है उसको पूरा करना, होगा और क्या नहीं होगा और क्या होगा ये उनके हाथ में है, ये उनके हाथ में है, जब होगा तब होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मेरे दो पाँव में मेरा कैपेसिटी है, ये दो पाँव से मैं 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं दौड़ सकता, तो मैं 40 का कैसे सोचूं, मैं 20 दौड़ूंगा लेकिन हर दिन दौड़ूंगा। एक कहावत है ब्रूस ली का, एक ऐसे पढ़ा था, पता नहीं कितना सच है, इंस्टा पे फेसबुक पे आता है, ब्रूस ली ने कहा मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसको 10,000 टाइप्स ऑफ पंचेस आता है, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक तरह का पंच 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो करना तो एक ही चीज, छोटा सा चीज है, छोटा सा एक चीज है, लेकिन बराबर करना है, निरंतरता के साथ करना है, निष्ठा के साथ करना है, सक्सेस उनका ऊपर है, होगा तो होगा। अब थोड़ा झूमेंगे आनंद।